गुड मॉर्निंग। आज की क्लास जो वर्गमूल घनमूल में छूटा हुआ था आज उसको पढ़ाया जाएगा। से वर्गमूल और वर्ग करना, घनमूल और घन करना आप सीख गए थे कल ही, इसके पहले वाले क्लास में, कल के ही क्लास में ना। तो आज इसी वर्गमूल और घनमूल पर कुछ क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। हाँ, एक बात और, आप लोगों ने बताया नहीं, ऑफलाइन वाले तो बता देते हैं तुरंत ये सब, लेकिन ऑनलाइन वाले ये कभी नहीं बताएं कि जो क्लास होता है आपको कितना समझ में आता है, कितना बेहतर लगता है, कितना अच्छा लगता है। अभी जैसे मैंने कल बताया कि एक ही ट्रिक पर आप एक से लेकर के 100 तक के वर्ग को एकदम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बस एक ट्रिक पर। अच्छा लगा क्या नहीं लगा कुछ तो बताया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि ये क्लास आपके लिए कितना बेहतर हो रहा है, या फिर कुछ कमी छूट रही है, कुछ कमी छूटे तो उसको भी पूरा करूँ मैं, क्यों, ठीक है ना। चलो आ जाओ आज के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए आज का ये पहला क्वेश्चन है 26² + 32² + ? 64 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन मार्क के जगह पर कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क जहां है उसका मान कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन मार्क जहां पर है उसको मान लेंगे x। अब देखिए आपको कल ही बताया गया था एक से लेकर के सौ तक का वर्ग आप कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं, तो निकालिए कुछ जल्दी जल्दी सेकेंडों में। तो देखिए चलिए हम करते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676 प्लस 32 का हो जाएगा 1024, और क्वेश्चन मार्क के जगह पर मान लीजिए आप x, मान लीजिए x, और 64 का वर्ग हो जाएगा 4 × 16, 4 × 24 दोनों 48, 49, 4 × 6 = 36, 4096। ये हो गया कितना, 4096, ये इतना हो गया इसका। अब क्या करना है, आप इसको जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, आप इसको जोड़ दीजिए। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 1024 और 776, 24 × 76 = 10, 7 = 17, ये हो जाएगा आपका 1700 प्लस x बराबर 4096, 4096, ठीक है। अब आप पक्षांतर कर दीजिए, चर को एक तरफ कर दीजिए, अचर को एक तरफ कर दीजिए। इसके पहले की क्लास में पढ़ाया गया था कि पक्षांतर कैसे करेंगे, जिसको पक्षांतर करने में कोई समस्या होगी पिछले वाले क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको आप घटाएंगे तो 40 में से 17 घटाएंगे तो 23, 40 में 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23, और ये 23 96, ये आ गया x के स्थान पे कितना 23 96, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, ये हो गया क्या इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगर इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस हों, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से हूं, करणी में 9/4 हो, तब 9/4 हो तो इसको आप कैसे हल करेंगे, तो करणी में है तो इसका वर्गमूल कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मूल कर दीजिए, वर्गमूल करेंगे 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और 4 का कितना 2, तो ये हो गया 3/2 आंसर, ये क्या हो गया 3/2 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और जैसा है, बीस सही एक बटे चार है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका क्या करना है, वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे,
तो पहले ये मिश्र भिन्न है, क्या है कर्ण में मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को आप चिन्ह कर लीजिए, किसमें किसमें आप चिन्ह करेंगे, साधारण भिन्न में। तो साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने का क्या तरीका था, चिन्ह करने का क्या तरीका था बदलने का, तो कि ये हो जाएगा 20 × 4 प्लस 1/4, ठीक है, ये हो गया इस प्रकार से। अब आप जब इसको तोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 20 × 4 = 81/4, कितना हो गया 81/4। अब कर्णी से आप बाहर कर दीजिए, कर्णी से बाहर करने के लिए क्या करना है, वर्गमूल, क्या करना है वर्गमूल। तो 81 किसका वर्ग है, 9 का, और 4 किसका है, 2 का, 9/2, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सत्ताईस गुड़े आठ है, ये लगा है 3, क्यूब है, 27 × 8 बराबर क्वेश्चन मार्क का है, किसका है, क्वेश्चन मार्क, ये यहां पर इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका ज्ञात कैसे करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 27 × 8, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिख लें चाहे वैसे लिख लें, आपको सिर्फ आसान करने के लिए ऐसे लिख दिए हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 27 को आप बाहर करेंगे तो किसका क्यूब है, 27, 3 × 9 = 27, तो ये किसका है, 3 का, अगुड़े यहां पर कितना किसका है, 2 × 4 × 8, तो ये हो गया कितना, 6, इसका आंसर कितना आ गया, 6। यहां आप यहां पर भी कर सकते थे, इसको बाहर करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, देखो जब इस तरह से करना चाहो तो इस तरह से, अगर इस तरह से नहीं तो ऐसे यहां पे डायरेक्ट कर लो, तो इसको जब क्यूब करोगे, 3 लगा है, जब यहां पे 3 लगा होता है तो क्यूब करना पड़ता है, तो यहां पर क्यूब करेंगे तो 3 है ना, 3 का मतलब क्यूब, 27 का क्यूब कितना, 3 × 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो ये बराबर 3 × 6 का, ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को लगाएंगे और इस तरह से जो ज्ञात करना होगा, क्वेश्चन मार्क दिया होगा उसको पक्षांतर करके इसको हल करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ इसी प्रकार से और क्वेश्चंस। देखिए कुछ और क्वेश्चन आपके सामने हैं, जिसमें से ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको हल करेंगे, आप इसको अभी हल कर लीजिए, आप इसको हल कर लीजिए, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, देखिए कैसे हल होगा ये वाला। तो सबसे पहले क्या करना है, 361 का वर्गमूल करना है, 361 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 361 का वर्गमूल कितना होगा, 19, कितना हो जाएगा, 19, कर्णी में क्वेश्चन मार्क बराबर 2 × 2 = 18, तो ये हो गया 19 बटे 1 का, तो यहाँ पे 19 से कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 19 से कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, तो ये इसके जगह पर x हो गया, x कर्णी में है, कर्णी जब पक्षांतर करेंगे तो इधर जाएगा ना, तो कितना ही होगा, 1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कर्णी जब पक्षांतर हो तो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, कोई परिवर्तन होगा नहीं, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 1 का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, तो मैं देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, अब आप लगाए होंगे, जो भी आपका आंसर आया होगा देख लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूं, देखिए ये क्या है, 169 का होल स्क्वायर माइनस 125 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है, इसमें क्या बन रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का। इस तरह से होता है, तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप लगा सकते हैं। रखिए उसी पर, ए प्लस बी 169 प्लस 125, दूसरे ब्रैकेट में 169 माइनस 125। अब आप इसका क्या करना है आपको, बटे में देखिए, बटे में कितना है क्वेश्चन मार्क, मान लीजिए इसको x और इसका बटे वन करके आप त्रिक गुणा कर लीजिए। जब आप यहां से त्रिक गुणा करेंगे, एक से इसमें करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे करेंगे एक तो 44 हो जाएगा, कितना यहां पर अगर एक है क्वेश्चन मार्क की जगह पर एक, तो ये 44 एक के कितना हो जाएगा 44, ठीक है, कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 44। ये बराबर का ज्ञात करना है। अब आप इसको जोड़ दीजिए, 196 प्लस 125, इसको जोड़ने पर 100 200 और 2569, तो ये हो जाएगा 294, 294 और गुड़े 169 माइनस 125 25, तो ये हो जाएगा 44। माइनस करने पर 244 आ गया, जोड़ने पर 294, घटाने पर 44, बटे का कितना 44, ठीक है। आप इसको अब भाग दे दीजिए, 44 से 44 कैंसिल हो गया, बचा कितना 294, कितना बचा 294, और यही हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से वर्गमूल तथा घनमूल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगले चैप्टर पर चलेंगे, अगला चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, ठीक है। अगर इस चैप्टर में किसी को भी कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर पर